हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास, जो इस बार 12th क्लास देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, और पैटर्न क्या होगा। तो आज आप लोग को पूरा ये वीडियो में उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वीडियो का स्किप नहीं करें, पूरा समझाने का कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में एकेडमिक वीडियो हो या मॉडल सेट का वीडियो हो या पैटर्न का वीडियो या किसी प्रकार जिससे आपका हेल्प हो सके वो ज़रूर अपलोड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों लोग, सबसे पहला बात कि आप लोग पहले से भी जान लें कि इस बार एग्ज़ाम 2 टर्म में होगा। फर्स्ट टर्म मार्च नवंबर 2022 को होगा, और जो सेकेंड टर्म हम लोग का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो सेकेंड टर्म जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, 2023 में मार्च में, ठीक है, ये डेट हम लोग का हो गया। तो पहला डेट फिक्स हो गया कि नवंबर में होगा फर्स्ट टर्म और मार्च में क्या होगा, सेकेंड टर्म। एक चीज़ और यहाँ जानना जरूरी है, इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ पिछले बार की अपेक्षा, क्योंकि पिछला बार फर्स्ट टर्म में क्या हुआ था, पिछले बार सिर्फ फर्स्ट टर्म में हम लोग का क्या हुआ था, आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो हम बता देते हैं। पिछला बार फर्स्ट टर्म में सिर्फ MCQ आया था, और सेकेंड टर्म में क्या आया था, मतलब थ्योरेटिकल आया था, ठीक है। तो इस बार लेकिन क्या है, दोनों पैटर्न, फिर से सुन लीजिए, इस बार सुन लीजिए अच्छा से, पैटर्न दोनों का, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। दोनों का पैटर्न क्या रहेगा बच्चों लोग, यही रहेगा। इसमें भी MCQ पूछेगा, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, मतलब इस बार आप लोग को पूरा पढ़ना है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं मारना है कि सिर्फ MCQ ही आ रहा है। तो आप लोग को इस बार MCQ तो पढ़ना ही है, वेरी शॉर्ट टाइप भी पढ़ना है, शॉर्ट टाइप भी पढ़ना है और लॉन्ग टाइप भी पढ़ना है। बोला जाए तो 100% पढ़ना है, मतलब शॉर्टकट मारने का जरूरत नहीं है। और सबसे सबसे बड़ा बात क्या है, इस बार दोनों पैटर्न में से मतलब दोनों टर्म में सेम पैटर्न रहेगा, इसमें भी और इसमें भी, मतलब फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में भी यही पैटर्न रहने वाला है। तो आप लोग का फॉर्म भरने का डेट भी आ गया है, ठीक है, 30 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक का डेट है। तो आप लोग का प्रिपरेशन भी लग जाइएगा, हम भी कोशिश करेंगे, मॉडल सेट आएगा उस हिसाब से मतलब क्वेश्चन अपलोड करने का। पहले से भी मेरा देखिएगा चैनल पे जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट देखिएगा, 12th क्लास करके बना हुआ है, ठीक है, टर्म 1 अकाउंटेंसी करके बना हुआ है। तो आप लोग जाके उसमें भी जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ मेरा भी, तो उसमें भी आप अभी भी जाके हेल्प ले सकते हैं। जैसे जैसे आगे आगे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग के लिए अब क्या बोला जाए, एग्जाम का तैयारी कीजिए, आप लोग भी शुरू कर दीजिए, MCQ का पहले तैयारी कीजिए, फिर वेरी शॉर्ट टाइप के लिए मतलब 1 सेंटेंस में, ठीक है, जैसे NPO क्या होता है, NPO का 2 एग्जाम्पल बताइए, इसे यही सब क्वेश्चन सब आएगा। और क्या, शॉर्ट टाइप हो गया थोड़ा सा बड़ा, एक 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 सेंटेंस में, लॉन्ग टाइप हो गया कि थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।